फ्रेंड्स, आज हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस एक्चुअली है क्या? डिफाइन के हिसाब से अगर जाते हैं कि अगर इफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ अदर टू साइड, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि किसी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड का स्क्वायर उसकी बाकी बची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो जो हमारी फर्स्ट वाली साइड है उसके सामने का एंगल राइट एंगल होगा भी। यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया है किसी ट्रायंगल एबीसी के लिए कि जो बीसी स्क्वायर है वो एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा कि बीसी स्क्वायर के सामने वाला जो एंगल है ए, वो ए राइट एंगल होगा। वो मुझे प्रूव करना है। देखो, ये ट्राइंगल ए बी सी है भाई, इसके अंदर जो बी सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि जो बी सी के सामने वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है। ये हमें प्रूव करना है, दिया हुआ नहीं है भाई। अब हम क्या करेंगे कि एक ओ एक्स रे ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ एक ओ वाई रे ड्रॉ करेंगे। ओ एक्स और ओ वाई को हम परपेंडिकुलर बनाएंगे भाई, ताकि ओ जो है हमारा 90 डिग्री हो जाए। अब ओ एक्स रे पे एन पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो ट्राइंगल ए बी सी में ए सी साइड के बराबर होगा। उसी तरह से ओ वाई रे पे एम पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो ए बी सेगमेंट के बराबर हो जाएगा भाई। तो लेट ड्रो, यहाँ पे डेटा मैंने लिख दिया है, पर रिजल्ट वन और रिजल्ट टू बना दिया है। उसी के साथ में एम एन को अब ज्वाइन कर दूंगा इधर भाई, ओ एम एन ट्राइंगल के अंदर एम एन को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो है हमारा राइट एंगल बन गया। इसके लिए मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ भाई। जैसे पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर हो जाएगा भाई। लेकिन हमारा जो तो रिजल्ट वन था वो तो क्या बोला था, ओ एम इज इक्वल टू ए बी एंड ओ एन इज इक्वल टू ए सी। तो उसको वैल्यू को रिप्लेस कर दी भाई अभी पे, तो क्या हो जाएगा कि जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर हो गया। लेकिन हमारा जो फर्स्ट वाला डेटा है उसके हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर है डेटा में लिया है हमने पे। तो हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि एम एन इज इक्वल टू बी सी। अब इस हिसाब से नीचे चले जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ओ एम एन के लिए हम एक करस्पोंडेंस ले लेंगे भाई, दोनों को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो ए बी सी है वो करस्पोंड टू ओ एम एन है ऐसा हम बताएंगे। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो बी सी इज इक्वल टू एम, जो एम एन जो है डेटा के अंदर दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू ओ एन हमने लिखा है यहाँ पे, लिया हुआ वैल्यू रिजल्ट वन है, ए बी इज इक्वल टू ओ एम हमारा रिजल्ट वन है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी सी करस्पॉन्ड टू ओ एम एन है वो सिमिलर हो जाएंगे भाई, कौन से थियरम के हिसाब से भाई, साइड साइड एंड साइड थियरम के हिसाब से। तो हम अगर बोलेंगे कि ए बी सी करस्पॉन्ड टू ओ एम एन है तो ए करस्पॉन्ड टू ओ हो जाएगा भाई, ए करस्पॉन्ड टू वो लिख दिया अभी मैंने। लेकिन हमने तो पहले ही बोल दिया कि जो है हमारा ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ओ ए वाई है, तो हमारा ओ जो है वो 90 डिग्री हो चुका है। तो ए भी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, राइट 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है वो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर राइट एंगल है वाई। ये हमारा थियरम प्रूव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को मनीष सिंधी को जरूर से सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और आपके जो सजेशन है वो